एक नंबर आया है यार, सेफ गार्ड जो आया है ना, हाँ। वो सीपेस के लिए एक नंबर है। आज तक तो सब लोग ऐसा बोलते थे कि इसका नमक का कोई इलाज नहीं है, जब से सेफ गार्ड आया ना इसका इलाज आ गया। अब ये जो सीपेस को आता है ना, नमक को खा जाता है। हम लोग इसको पूरा खरोच देते, पहले खरोच को उसको साफ करके पहले खा पूरा मार देते, उसको पतला वाला पानी जैसा बना के फिर उसको सूखने देते हैं 3 से 4 घंटे तक। उसके बाद दूसरा कोट उसके ऊपर चढ़ा देने का होता है। दूसरा कोट चढ़ाने के बाद उसको सूखने देना, दूसरे दिन जाके उसको दूसरा 4 घंटा उसको सोने देते। फिर ये पूरा 2 लेयर हो जाता है, उसके बाद तीसरा लेयर मार देते हैं दूसरे दिन आके। फिर उसको 2 घंटे 3 घंटा सूखने के बाद उसके ऊपर पुट्टी कर देते हैं। यानी 3 लेयर करने के बाद उसको पुट्टी करने के क्या होता है कि इसका जो पपड़ी का नमक आने वाला चांस है ना, वो पूरी तरह से नमक हो जाता है, उसको बंद कर देता है। और इससे सिर्फ गार्ड जब से आया ना, मेरा मानना यही है कि बिल्ला पुट्टी इस पर टच जाएगी, जो पपड़ी होती थी उसकी समस्या दूर हो जाएगी। क्या बात है, एक नंबर आया। आपने कोई ऐसा हुआ कि आपने एक डैम गार्ड लगाया, डैम प्रूफ लगाया, उसके वो सक्सेस नहीं हुआ? वो सक्सेस नहीं हुआ, ये हुआ है, एक नंबर हुआ है। कितना टाइम हो गया लगाए आपको? आज तक 4 महीना जैसा हो गया है, अभी तक नमक नहीं निकला, वरना दूसरे दिन निकल जाता था। हम लोग जब करते थे ना, वो क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिक लगाया और जो सिक्का लगाया, वो क्या बोलते हैं अपना, डैम प्रूफ लगाया, सब कुछ लगाया, लेकिन हम लोग जब लगाने के बाद दूसरे दिन जाते थे ना, वहाँ पपड़ी फूल जाती थी। लेकिन जब से ये लगाया ना, आज तक देखा ही नहीं है। 4 महीने से पार्टी का फोन भी नहीं आ रहा क्या, यहाँ पपड़ी हुई है। एक नंबर, पार्टी भी खुश हो गई। चलिए, बहुत बढ़िया, थैंक यू।